युवावस्था में डिप्रेशन के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 39 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आमिर खान अभिनेता, इनकी लड़की इरा खान, इसने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक वीडियो पब्लिश किया और उसने खुद ने इसकी कबूली दी कि वो पिछले 4 साल से डिप्रेशन में है और डिप्रेशन से जूझ रही है। डिप्रेशन कोई भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं कि यंग लड़कों को होगा नहीं, यंग एज में भी होता है और ज़्यादा एज हो गया तभी भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन मतलब आपकी मानसिक अवस्था जो है वो निराशाजनक हो गई है। आपकी आपको निराशा आ गई है, मन में बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है कोई काम में, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस बैठे हुए हैं, भूख भी लगती नहीं है, नींद आती नहीं है और बॉडी में दर्द होता है। इसमें से कोई भी लक्षण हो सकते हैं। मेन क्या है इसका कि मेन मतलब रोना आना बिना वजह का, नर्वस उदास लगना और सुसाइडल विचार आना। और ये क्यों होता है, इसके अनेक अलग अलग थियरीज है। एक है जेनेटिक्स, कि भाई आपके जीन्स में आया हो, माँ बाप को डिप्रेशन था इसलिए आपको भी डिप्रेशन आ गया, हो सकता है ऐसा। दूसरा कारण मेनली हो सकता है कि भाई हार्मोनल जो है उसका असंतुलन, जो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोरफिन्स, ये जो फील गुड हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स का कम होना, असंतुलन है, कम हो जाते। तीसरा है कि विटामिन्स जो है पौष्टिक, जो अपने को लगता है विटामिन्स, ताकत की दवाइयाँ, तो वो अपने खाने में यदि कम आती है तो विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है, उससे भी डिप्रेशन आ सकता है। तो ये जो है कि भाई अच्छे ट्रीटमेंट कराना डिप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र करना कोई इसका इलाज थोड़ी कि नहीं नहीं ठीक करेंगे, बातचीत करेंगे, गोली लेना ही है, गोली के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत लोग ऐसे हमको मिलते हैं कि नहीं नहीं गोली के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है, दवाई नहीं लेंगे, एलोपैथी नहीं लेंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई एलोपैथी में आपको अच्छी अच्छी दवाइयाँ अभी उपलब्ध है कि जो आप लेते हैं तो 8-10 दिन में आपको फ़र्क दिखाई देना चालू हो जाता है, एकदम अच्छा लगना चालू हो जाता है। कुछ कुछ पेशेंट में मैंने देखा कि भाई 2-3 दिन ही उनको अच्छा लगना चालू हो जाता है, मूड एकदम ही बदल जाता है। तो एंटी डिप्रेशन लेना जरूरी है, एंटी डिप्रेशन लेने के। दूसरा, लोगों को समझ, लिसन करो, जो पेशेंट है उसको समझ लो, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, उसको फोर्स नहीं करना है, उसको कुछ करने की ज़बरदस्ती नहीं करना है, सुन लो। बच्चा यदि आपका है युवावस्था का, सुन लो, उसको लगता है कि मैं भी बड़ा आदमी बन गया हूँ, मुझे सुनने के लिए कोई खाली नहीं है, मेरा ये कहना है, ऐसा है वैसा है, तो उसका सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके जरा मन से लो, थोड़ा चल क्या बोलना चाहता है तू, जरा जरा बोल, क्या होना है तेरे को, मतलब इस तरह का यदि आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो उसको अच्छा लगेगा और डिप्रेशन में अच्छी सहायता होगी उठाने में। और बाकी फिर अच्छा खान पान, जंक फूड डालना, खान पान करना अच्छा, और बैलेंस डाइट है, नींद अच्छी लेते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। हिप्नोथेरेपी हम करते हैं, सम्मोहन उपचार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 6 से 9 महीने दवाई लेना जरूरी है, उसके बाद में धीरे धीरे कम करना है। डिप्रेशन एक बार आ गया इसका मतलब ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन से कोई कारण से आया है तो नेचुरली वो कारण जब ठीक होना चालू हो जाता है, उसका सोल्यूशन आपको मिलता है, तो डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। बिना कारण कुछ डिप्रेशन आता है, एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं, उसको तो आपको दवाई देनी ही पड़ेगी। यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स हैं, तो फिर शॉक ट्रीटमेंट देना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया हुआ है सुसाइड का, तो डेफिनेटली शॉक ट्रीटमेंट देके उसको जल्दी अच्छा कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।